वेलकम टू द चैनल गाइस। प्रकृति और मनुष्य का क्या रिलेशन है ये तो पता ही होगा। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी टीचर होती है, यह हमें हर पल कुछ ना कुछ नया सिखाती रहती है, बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा ध्यान देने की। आज तक मनुष्य ने जो कुछ भी हासिल किया है वो प्रकृति से सीख लेकर ही किया है। न्यूटन को भी ग्रेविटी का पाठ प्रकृति ने ही पढ़ाया था। चलिए आज हम प्रकृति के कुछ ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो शायद आपने कभी ना सुना हो। सो लेट्स बिगिन। क्या आप जानते हैं केवल इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो अपने पीठ के बल सोता है। गोल्डफिश इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट दोनों तरह की किरणों को देख सकती है। राजहंस हमेशा अपना सिर नीचे रख कर ही खाना खा सकते हैं। झींगे का खून किसी भी रंग का नहीं होता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। पहले विलो नामक पेड़ की खाल ही एस्पिरिन बनाने का एकमात्र स्रोत थी, लेकिन आजकल कई तरीके से एस्पिरिन बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक ईल नाम की मछली करीब 600 वोल्ट तक की बिजली अपने अंदर ऑब्जर्व करने की क्षमता रखती है। उल्लू ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जो नीले रंग को देख सकता है। एक मुर्गे की आज तक की सबसे लंबी उड़ान 13 सेकंड की दर्ज की गई है। क्या आपको पता है जहर फेंकने वाले मेंढक की त्वचा भी खतरनाक जहरीली होती है। क्या आप जानते हैं गाय यानी काऊ इनके ऊपर के सामने वाले दांत नहीं होते हैं। क्या आप जानते हैं बत्तख अपने सिर को बिना हिलाए कभी नहीं चल सकती। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट दुनिया की 20% तक का गैस पैदा करता है। क्या आपको पता है गाजर में 0% फैट होता है, तो अगर आप अपने फैट पर ध्यान देना चाहते हैं तो आप जितना चाहे गाजर खा सकते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि सभी कीड़ों के कम से कम 6 टांगे तो होती ही हैं। सिर्फ स्ट्रॉबेरी और काजू दो ऐसे फल हैं जिसके बीज अंदर ना होकर बाहर की तरफ होते हैं। क्या आप जानते हैं आप जब भी पूरे चांद को देखते हैं तो वो हमेशा ही एक ही तरीके का दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं कीवी नाम के पक्षी अंधे होते हैं, लेकिन उनके सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। बारिश की बूंदों की खुशबू विटामिन B12 के कारण आती है। बनाने ये फल हमेशा ऊपर की तरफ ही बढ़ते हैं। चमगादड़ ही केवल ऐसे स्तनधारी है जो उड़ सकते हैं। क्या आपको ये पता है कि केवल मादा मच्छर ही काटती है, नर मच्छर कभी नहीं काटता, ये सिर्फ आवाज़ करता है। अगर आपने कभी देखा हो कि स्नोफॉल वाली जगह पर सब कुछ शांत होता है, वो इसलिए क्योंकि ताज़ा बर्फ़ में आवाज़ को अपने अंदर ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है। वो आसपास होने वाली आवाज़ को कम कर देती है, और ये इसलिए होता है क्योंकि बर्फ़ हवा को ट्रैप कर लेती है और ध्वनि के कंपन को कम कर देती है। ह्यूमिंग बर्ड की मेटाबॉलिक रेट इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपनी पूरी लाइफ में भूख की वजह से कभी नहीं मरते। सैन डाइगो चिड़ियाघर का कैन एलन नाम का बंदर वहाँ से 3 बार इसलिए भाग गया ताकि वो अपनी जोड़ी को वहाँ से भागने के लिए उकसा सके। भारत के मेघालय की एक जनजाति ने अंजीर के पेड़ की शाखाओं के सहारे 100 फुट तक के लंबे प्राकृतिक पुलों का निर्माण कर लिया था। वो पुल तकरीबन 500 से 600 साल तक वैसे के वैसे ही है। कुछ साल पहले एक 71 साल के ब्राज़ीलियन ने एक पेंगुइन की मरहम पट्टी की थी। अब हैरान करने वाली बात यह है कि वो पेंगुइन हर साल 5000 तक का मील तय करके उस ब्राज़ीलियन से मिलने के लिए आती है। इसे कहते हैं जानवरों की वफादारी। रैकून्स एक बहुत ही स्मार्ट जानवर है जो कठिन से कठिन तालों को भी 10 बार से कम प्रयास में खोल सकता है, और वो उसी क्रम को फिर से दोहरा भी सकता है। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को वो 3 साल तक याद रख सकते हैं। तो ये थे प्रकृति के कुछ रोचक तथ्य। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।